गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज IAS कोच पे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैथ की सीरीज में चलिए आज पढ़ते हैं, जानते हैं कि दो रेशनल नंबर का एडिशन उस फॉर्म में जिस फॉर्म में कि डिनोमिनेटर में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर ज़रूर हो तो कैसे करते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो सीरीज़ में अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी बात समझ में ना आए तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाईलाइट करें और बताएं, तो उनका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 + 1/6। तो 2 और 6 का, जैसा कि आप जानते हैं, LCM आपको बताया जा चुका है, 2 और 6 का LCM 6 आएगा। तो ये आपका LCM 6 या लाइन ड्रा किया, लाइन के नीचे 6 लिखा और 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 आया, 3 में 1 का इंटू किया 3 और प्लस, फिर 6 से 6 को डिवाइड किया 1 आया तो 3 + 1 = आ गया 4/6। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 2/3। तो जैसा कि आपको पिछले सीरीज में भी बताया गया था कि कैसे ऐड करके कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। और चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे 4/9 + 1/3। तो सबसे पहले लाइन ड्रा करिए, नीचे 9 लिखिए, 9 और 3। आप जैसा कि जानते हैं 9 और 3 का LCM 9 होगा। ये देखिए, ये आप देखिए, ये 9 और 3 का LCM 9 होगा। LCM निकालना भी आपको बताया गया है। तो इसमें 9 और 3 में आप जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 3 एक कॉमन फैक्टर है, तो इसके डिनोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, तो इसमें एक कॉमन फैक्टर 9 और 3 में कॉमन फैक्टर 3 है। कल जो बताया गया था उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था एक्सेप्ट 1। तो इसमें देखिए, ये 9 को अंडरलाइन किया जो है, उसके बाद 9 को डिवाइड किया 9 से तो 1 आएगा, 1 का 4 में इंटू किया 4 प्लस 3 से 9 को डिवाइड किया 3 × 1, ये आपका आ गया 3। तो 4 + 3 = 7/9। तो ये आपका आंसर हो गया 7/9। तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से, 1/5 + 3/10। तो 5 और 10 में एक कॉमन फैक्टर है 5। तो 5 और 10 का, जैसा कि आपको LCM पता है कि 5 और 10 का LCM 10 होगा। तो ये देखिए, 5 से 10 को डिवाइड किया तो आया 2 × 1, ये हो गया 2। और फिर 10 को डिवाइड किया तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 × 3 = 3। तो 3 + 2 = 5/10। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2। तो इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2/3 + 4/6। तो 3 और 6 में एक कॉमन फैक्टर है 3। तो 3 और 6 का LCM लेंगे तो आएगा 6, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 × 2, ये हो गया 4। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 × 4 = 4। तो 4 + 4 = हो गया 8 × 6। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 4/3। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 3/4 + 2/8। 4 और 8 में एक कॉमन फैक्टर है, वो है 4। 4 और 8 का LCM आ गया 8। तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 × 3, ये किया हमने 2 × 3 प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 × 2। तो 2 × 3 5 हो गया, और 2 × 3 6 हो गया, और 6 और प्लस ये आपका हो गया 2। तो ये आ गया 8/8। तो 8/8 ये आपका हो गया 1। तो आंसर आपका आया 1। तो आपने देखा कि जब डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर हो तो कैसे टू रेशनल नंबर का एडिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फिर मिलते हैं मैथ्स की इसी तरह से एक न्यू सीरीज़ में, जिसमें कि हम और भी एडिशन जानेंगे, अगर 2 से ग्रेटर रेशनल नंबर हो तो कैसे ऐड करते हैं इस सीरीज़ में, इससे भी ज़्यादा अगर रेशनल नंबर हो 3 से ज़्यादा तो फिर कैसे ऐड करते हैं, तो ये हम कल की सीरीज़ में जानेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग मैथ्स की इस सीरीज़ से। आपको आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
क्वेश्चन सॉल्व करने में, और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फ्रेंड एंड